जो फर्स्ट स्टेटमेंट है द स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लॉजिकली तो देखिएगा कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना होता है उस प्रॉब्लम को एंड देन उसके लिए आपने क्राइटेरिया सेट करना होता है और इसी तरह फिर आपके ये जो फर्दर ये आपके स्टेप्स चलते हैं तो ये आपके जितने भी दिए हैं यहां पे ए से लेके जी तक के ये सब सीक्वेंस में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग आता तो ये फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के मोटिवेशन इज रिलेटेड टू तो लीडर अगर आपका अच्छा है तो वहाँ पे मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा होगी सुपरविजन शुड भी प्राइमरली तो ये कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव होती है स्कूल बजट इंक्लूड्स स्कूल बजट में आपका डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट दोनों तरह के एक्सपेंडिचर्स आते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी एजुकेशनल प्रोसेस हैज़ टू साइड्स तो इसमें इसके साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच नॉलेज एंड स्किल्स आर ट्रांसफर तो इसमें ये ऐसा तरीका कार है जिसमें कुछ आ, अफराद से एक नई जो जनरेशन है या नेक्स्ट जनरेशन है उसकी तरफ यह मूव आउट करती हैं स्किल्स एजुकेशन साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ तो ये आपके होता है लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग इससे जो है वो रिलेट करता है द डेटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय सम वन आर कार्ड तो जो किसी ने ऑबियसली कलेक्ट किया होगा डेटा तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाएगा क्लासिबैंक स्टूडेंट्स इन अ स्टेटिस्टिक्स कोर्स बाय दियर जेंडर इज एन एग्जांपल तो देखें यहाँ पे जेंडर की बात हुई है यहाँ पे ऑर्डर की बात नहीं हुई तो जब भी जेंडर आएगा तो ये नॉमिनल होगा जब आपका ऑर्डर आएगा तो ये ऑर्डिनल होगा करिकुलम मीन्स तो करिकुलम में आपकी तमाम एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं इन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक सब्जेक्ट टू बी कवर्ड तो जो आपकी आउटलाइन होती हैं ये सिलेबस कहलाता है द फैक्टर दैट एफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कार्ड तो इसमें इसकी फाउंडेशन होती हैं फाउंडेशन ऑफ करिकुलम वो इसको अफेक्ट करती हैं वेन वट वाई एंड हाउ टू डू इच इज़ द मेन टास्क ऑफ तो ये आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी द टोटल प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटिंग एंड एवेल्यूटिंग द करिकुलम इस कार्ड तो ये तमाम जितना भी प्रोसेस होता है ये करिकुलम डेवलपमेंट कहलाता है तो मोस्ट फ्रिकुएंट वैल्यू इन द सेट ऑफ डेटा इस कार्ड तो जो मोस्ट फ्रिकुंट वैल्यू थी जो बार बार आने वाली वैल्यू थी है, वो मॉड कहलाती है और नेगेटिव कोरिलेशन तो नेगेटिव कोरिलेशन में ऐसा होता है कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम होती है तो अगर एक चीज़ कम हो रही तो दूसरी बढ़ रही होती है एज वन वेरिएबल इंक्रीजेज द अदर वेरिएबल डिक्रीज ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट क्वेश्चन नंबर एटीन है वट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ़ लिटरेचर रिव्यू तो लिटरेचर रिव्यू का जो आपका पर्पज़ uh, होता है तो इसका ये पर्पस होता है टू फाइंड आउट वाट इज ऑलरेडी नाउन अबाउट द एरिया ऑफ़ इंटरेस्ट टू जानना होता है आपने उस चीज़ के बारे में विच ऑफ द फॉइंग प्रोवाइड्स अ सोलो फाउंडेशन ऑफ थीरोटिकल फ्रेम वर्क तो ये आपका लिटरेचर रिव्यू होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टूल ऑफ डेटा कलेक्शन तो ये आपका हाइपथीसिस होता है जिसे मफूज़ा भी कहा जाता है द मेजर पर्पज ऑफ को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज तो इसका जो क्यू क्यूरिकुलर एक्टिविटीज का सबसे बड़ा पर्पज़ होता है वो होता है हेल्प स्टूडेंट्स अचीव अ वर्ल्ड एडजस्टिव पर्सनैलिटी उनकी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ऑल द लर्निंग एक्टिविटीज़ विच आर एक्सपोज ड्यूरिंग स्टडी आर इंक्लूडिंग तो ये तमाम की तमाम मॉडर्न टेक्निक्स कहलाते हैं यानी मॉडर्न इंस्ट्रक्शन। द मटेरियल टीचर यूज टू फर्स्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड तो ये तमाम जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ये इंस्ट्रक्शनल आपका मटीरियल होगा द टेस्टिंग यूज टू आइडेंटिफाई वट आर स्टूडेंट नोज एंड डज नाट नो इज़ कॉल्ड तो ये आपका डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कहलाता है क्या जानता है और क्या नहीं वट कॉरोशन इज़ द स्ट्रॉेस्ट तो देखें ये यहाँ पे माइनस वन पॉइंट जीरो इन्होंने पॉजिटिव या नेगेटिव ने 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 का नहीं पूछा अगर नेगेटिव का पूछते तो माइनस वन पॉइंट जीरो होता और अगर पॉजिटिव का पूछा जाता तो यहाँ पे जीरो पॉइंट नाइन जीरो अब चूंकि इन्होंने जस्ट स्ट्रॉगेस्ट पूछा है तो ये तो माइनस वन में होता है आपका स्ट्रोंगेस्ट या फिर आपका प्लस वन में स्ट्रोंगेस्ट होता है ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट क्वेश्चन सर्वे मैथड इज़ यूज टू कलेक्ट तो क्वेश्चन आप यूज़ करते हैं प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के लिए वॉट इज़ द मोड ऑफ द फॉलोइंग नंबर तो देखिएगा यहाँ पे आपका जो टू है वो एट है वो टू टाइम्स रिपीट हुआ है तो यहाँ पे टू और एट आपका मारा जाएगा विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग तो इसमें जो है आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी भी यूज़ होती है रेफरेंस भी यूज होता है और आपका कंक्लूजन भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट द क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व कस्टडी ऑफ इनफॉम्स इंफॉर्मेशन और टाइम इज कॉल्ड तो ये मेमरी कहलाती है Completing अ टास्क विथ 80% परसेंट is इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस तो ये आपका क्राइटेरियन डेफरेंस जैसे आपकी 80% परसेंट पर ए ग्रेड ए प्लस ग्रेड बन रहा है और वो एक ग्रेडिंग हो रही है थी तो ये आपका क्राइटेरियन डिफरेंस होगा टर्म ग्राउथ डिनोट्स नोट्स अन नेट इन तो ये आपकी जो ग्राउथ होती है वो हाइट होती है जबकि आपकी डेवलपमेंट होती है वो आपकी एबिलिटीज और कैपेसिटी या कैपेबिलिटीज़ होती है। हैं फिक्स आइडियाज़ इन बॉल पार्क मेजरमेंट और द क्वालिटीज ऑन तो ये हमने दो तीन पेपर में ऑलरेडी पहले भी करके रखा है कि ये कैसे होती है तो फिक्स आइडियाज़ आपने यानी एक कोई काम करना है आपने सिर्फ जस्ट उसी तरीके से उसी नज़रिए से काम करना है कोई दूसरा नजरिया उसको मे भी हो किसी और तरीके से भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है लेकिन हमने जो है वो सिर्फ उसी को साथ लेकर चलना होता है हम उस पर बजिद होते हैं और जो आपका बाल पार्क होता है बाल पार्क से मराजिए कि आपके जो एस्टिमेशन हैं या अप्रोक्सीमेट हैं वो आपके कंक्लूजनस जो है ना वो वेरीफाइड नहीं होते ट्वेंटी टीचर्स वर्किंग अंडर सुपरविजन ऑफ़ वन हेड टीचर तो ये होता है जी आपका फ्लैट और जो आपको टॉल होता है उसमें हेराकीबल ज्यादा होते हैं द कंप्रीहेंसिव टर्म कवरिंग बिल्डिंग्स प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट लाइब्रेरी इज कॉल तो ये आपका स्कूल प्लान कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट अच्छा ये इसी में था तो ये आपका स्कूल प्लान प्लान कहलाता है मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डैश द परफॉर्मेंस तो क्वॉंटिफाइन करता है क्वांटिटी बताता है यानी आपके टेस्टिंग में आपने रॉ इन्फॉर्मेशन दी आपने बच्चे से टेस्ट लिया तो वो लिख के आपको जो देगा आपने जो नंबरिंग की ये आपने उसकी मेजरमेंट की ये क्वांटिफाइंग होता है एवालुएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ तो एवालुएशन में हम हमारी जो जजमेंट होती है किसी के बारे में कि वो कैसा अब जो जिस बच्चे ने टेस्ट दिया उसको हमने उसकी मेजरमेंट की क्वान्टिफाई किया उसके बाद हमने क्या जी अच्छा पढ़ता है या अच्छा नहीं पढ़ता वो उसको हमने कैटेगराइज कर दिया वट इज मेन ऑब्जेक्टिव इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज तो जो आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इसका मतलब होता है कि आपने फैसिलिटेट करना होता है इस पूरे सिस्टम को पूरे प्रोसेस को विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेटिव टूल तो आपका जो यहाँ पे देखिएगा मल्टी मीडिया इन्साइक्लोपीडिया आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि टेली कॉन्फ्रेंसिंग में आप कम्युनिकेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल में भी टू uh, वे आपकी कम्युनिकेशन होती है और जब आप चैट करते हैं तब भी आप एक दूसरे से बात कर देते हैं लेकिन जो आपका मल्टी मीडिया या इंसाइक्लोपीडिया है तो ये वन वे कम्युनिकेशन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड मटेरियल्स कैन बी लर्न न्यू कंसेप्ट तो न्यू कंसेप्ट के लिए ट्यूटोरियल्स का यूज़ किया जाता है जैसे आप YouTube पे भी देखते होंगे नए नए ट्यूटोरियल्स आते हैं और उनसे आपकी लर्निंग होती है तो ऐसे ये भी ट्यूटोरियल्स का यूज़ किया जाता है मिसिस मीना अ ग्रेड फाइव टीचर प्रेफर्स टू यूज टैक्स बुक दैन अदर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल वट कुड बी हर रीजन फॉर यूजिंग तो वो वो इसलिए यूज़ करती हैं कि क्योंकि टैक्स बुक्स कंटेन मोस्ट ऑफ द मटीरियल दे नीड टू लर्न इन दस वो इसलिए क्योंकि जितनी भी चीजें आपने कवर करनी होती हैं वो टैक्स बुक से ही करनी होती हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी तो इसमें जो आपका ऑप्शन uh, नंबर ये देख लेते हैं इसको टू डिस्कवर टेक्निक्स बाई मीन्स ऑफ विच एजुकेशनल गोल्स कैन बी अटेंड इफेक्टिवली टू डिफाइन द गोल्स फॉर विच एजुकेशन इज टू स्ट्राइव तो देखें इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा जो इसका फंक्शन नहीं है साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बींग एनिमल बिहेवियर बिहेवियर एटीट्यूड तो ये बिहेवियर से ही रिलेटेड होता है वो किसी का भी बिहेवियर हो इंटेलिजेंस इज अ कंपोजिट ऑफ नाइन डिस्टिंग प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ वजेस्टिव है तो ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी दी थी ये कार्डनर ने दी थी एग्जामिशन गिवन एट द एंड ऑफ अ कोर्स टू सी हाउ मच यू हैव लर्न आर तो आपने कितनी चीज़ें सीखी हैं तो ये आपकी अचीवमेंट होती हैं और ये अचीवमेंट टेस्ट कहलाते हैं वॉट इज द बेल इन पावर ऑफ क्लासलिक कंडीशनिंग तो पहले तो ये आपका न्यूट्रल uh, होता है अनकंडीशनल होता है न्यूट्रल होता है एंड देन वो uh, एंड पे जाके वो कंडीशनल बन जाता है तो ये सी एस होगा वन सेंटेंस समरी इज फॉर्म ऑफ तो वन सेंटेंस समरी जो आपकी होती है वो समेटिव एवेल्युएशन में होती है द आइडिया दैट लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस वाई गिवन बाय तो ये वाईगोस्के ने दिया था ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट कि जो आपकी लर्निंग है वो सोशल प्रोसेस है कंस्ट्रक्टिविज्म होल्ड्स द आइडिया तो कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं जी लर्निंग बाई डूंग क्योंकि आपकी मॉडर्न थी है तो इसलिए इसमें फोकस किया जाता है इस बात पर ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड इज है तो ये लैंग्वेज ंग मैथड आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है जो ट्रेडिशनल uh, भी है लेकिन चूंकि इसका जो मेन फोकस है जो यहाँ पे मेन आपका जो करेक्टर है इसका तो वो लैंग्वेज टीचिंग में है, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड माइक्रो लेसन प्लान इज़ यूज इन तो आपका ये जो माइक्रो लेसन प्लान ये आपके सेमिनार्स में भी यूज होता है वर्कशॉप्स में यूज होता है और कॉन्फ्रेंसिस में भी यूज होता है यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी इस तरह की मजीद वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमत सब्सक्राइब कीजिएगा